हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में निमि महाराज ने नवयोगेंद्रों से प्रश्न किया है। नवयोगेंद्र 9 ऋषि हैं जो साथ साथ रहते हैं, भगवान के भक्त हैं। तो एक एक करके उनसे प्रश्न किया और एक एक प्रश्न का उत्तर एक एक उन्होंने दिया है। तो उन्होंने एक प्रश्न किया है जिसका उत्तर श्री प्रबुद्ध जी ने दिया है। तो राजा निमि ने क्वेश्चन किया है कि ये महर्षि, आप मुझे ये बताएं कि जो एक मूर्ख व्यक्ति है, वो मूर्ख व्यक्ति जो भौतिक चीज़ों में फंसा हुआ है और वो किस तरीके से इस भगवान की माया को आसानी से पार कर सकता है, ये क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो भौतिकतावादी हैं, जो भौतिक चीज़ों में पूरी तरह फंसे हुए हैं, उन लोगों को माया से ऊपर जाना बहुत कठिन है, माया से तरना। क्यों? उनको अपने ऊपर संयम नहीं है। और तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए क्या उपाय है? तो प्रबुद्ध जी ने बोला कि ऐसे लोग जो हैं वो पूरी तरीके से फंसे हुए हैं भौतिकतावादी चीज़ों में, और जो पुरुष और स्त्री के बीच जो आकर्षण है उसमें फंसे हुए हैं, तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल है और वो इसी में भौतिक आनंद को ही अपना आनंद समझते हैं। वो पूरी समय यही कोशिश करते रहते कैसे इस आनंद को रोका जाए, कि इसको कंटिन्यूस रखा जाए, निरंतर, है ना, ये कैसे चलता रहे। लेकिन होता क्या है एक्चुअली में, वो सोचते हैं कि ये आनंद चलता रहे, लेकिन होता क्या है कि आनंद थोड़ी सी देर आता है और फिर ये ख़त्म हो जाता है। जैसे जैसे वो लोग बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी असुविधाएं, दुख और बढ़ते चले जाते हैं, है ना। तो वो ऐसे उन्होंने बताया कि इस तरह से उसको भौतिक चीज़ों में घर बनाता है, परिवार बनाता है, रिश्तेदार संबंधी सब उसके पास होते हैं, पर भला इन सब चीज़ों से उसको असीम सुख, निरंतर सुख कैसे मिल सकता है, संभव ही नहीं है। तो और बोलते हैं अगर वो स्वर्ग भी चला जाए तो वहाँ भी संभव नहीं, क्यों, वहाँ भी तो जितना पुण्य किया उतना और रहेगा और उसके बाद वो नीचे गिरेगा, है ना, छीणे पुण्य मृत्युलोके, वो जैसे ही उसके पुण्य खत्म वो नीचे, है ना, तो वहाँ भी वो दुखी है। इसलिए वो कहते हैं कि तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपम आश्रयम। जो व्यक्ति बहुत ही गंभीर है इस बात के लिए, किस बात के लिए, मतलब वो बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुख चाहता है, उसकी सुख की इच्छा बहुत ही गंभीर है, उस व्यक्ति को एक तस्माद् गुरुम प्रपद्य, उसको एक प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। और फिर क्या करेंगे, गुरु के पास जाके क्या करेंगे, गुरु के पास जाके दीक्षा लेके उसकी शरण लेनी चाहिए। तो जो व्यक्ति असली में सुख चाहता है और असली सुख, निरंतर सुख चाहता है, सुखपूर्वक वो सुख की इच्छा रखता है, तो वो व्यक्ति क्या करे, वो गुरु के पास जाए और प्रमाणिक गुरु के पास जाए और क्या करे, दीक्षा ले और उनकी शरण ग्रहण करे। अच्छा, तो फिर गुरु कौन, प्रमाणिक गुरु है कौन? तो प्रमाणिक गुरु कौन है, शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशम आश्रय। शाब्दे वेदों में, परे वेदों में जो ब्रह्म के बारे में उसने पूर्णतया उसमें निष्कर्ष निकाला है, उसमें विचार विमर्श करके वो इस निष्कर्ष पे आया हुआ है वेदों के द्वारा, है ना। ब्रह्मणि, ब्रह्म के सभी पक्षों को उसने समझा है और उसने विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्ष निकाल के वो पूरी तरीके से इसमें अवगत हो चुका है ब्रह्म के ज्ञान में। और इन निष्कर्षों से, शास्त्र के जो निष्कर्ष हैं उन निष्कर्षों से वो दूसरों को आश्वस्त भी कर सकता है
है ना, दूसरों को शिक्षा के दे के उनको आश्वस्त करता है कि असली भगवान कौन है। और उसने और क्या किया है, उसने ऐसे जो प्रमाणिक गुरु हैं उन्होंने भौतिक जो चीज़ें हैं, भौतिक धारणाएं, भौतिकतावादी जो जीवन है उसको उन्होंने पूरी तरीके से त्याग दिया है और भगवान की पूर्णतया शरण ली हुई है। तो ऐसे व्यक्ति को प्रमाणिक गुरु मानना चाहिए, है ना। तो अगर ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाए जो इस तरीके से भौतिक चीज़ों को त्याग करके भगवान की पूरी तरह से शरण लेके है और भगवान में वो पूरी तरह से स्थिर है, वेदों शास्त्रों को उसने पूरी तरह से समझा है और उनके विचार विमर्श करके उसके निष्कर्ष पे आया है, वो प्रामाणिक गुरु है, है ना। और उसने ना सिर्फ मतलब उसने अपने प्रमाणिक गुरु से सुना है, तो ये गुरु परंपरा है। भगवद्गीता भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं बोल सकता कि मुझे सब पता है, है ना। उसको किसी गुरु से सीखना है, है ना। तो ये गुरु का लक्षण है कि वो ब्रह्मनिष्ठ है, है ना, और उसने भगवान में भगवान की पूर्णता शरण लिया, भौतिक चीज़ों को त्याग दिया। यहाँ बताया कि जो व्यक्ति जिज्ञासु है वो गुरु के पास जाएगा, है ना। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, श्रेय उत्तमम बोला गया है कि वो किस लिए जाएगा, किस चीज़ के लिए जिज्ञासा है। तो गुरु के पास जाना है, अब गुरु के पास भौतिक चीज़ें मांगने नहीं जाना है ना, कि मेरे को जॉब नहीं लग रहा है, मेरे को घर नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ के लिए नहीं। गुरु को जाना है जिज्ञासु श्रेय उत्तम। क्वेश्चन क्या है कि वो जो गुरु के पास जा रहा है वो जिज्ञासु हो, किस लिए, श्रेय उत्तमम। वो उत्तमम माने जो अंधकार में जो चीज जीवन है, जो अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार है, जो भौतिकतावादी अंधकार है, इससे ऊपर उठने की जिज्ञासा करे। श्रेय है ना, लॉन्ग टर्म है ना, एटर्नल लाइफ के लिए पूरा, उसके लिए वो जिज्ञासा करे, ना कि प्रेय। प्रेय दो चीज़ें, श्रेय प्रेय। प्रेय माने शॉर्ट टर्म, माने भौतिक रूपी सफलता, माने घर बन जाए, जॉब लग जाए, बड़ा आदमी बन जाऊँ, पर एक दिन मृत्यु के समय सब चला जाएगा। पर श्रेय क्या है, आनंदाम बुद्धि वर्धन, उस आनंद की खोज के लिए जाना है जो श्रेय है, जो लॉन्ग, जो खत्म नहीं होगा। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, वो हर स्टेप आगे बढ़ता जाएगा, प्रति पदम, हर स्टेप हर कदम पे वो आनंद आगे बढ़ेगा। तो श्रेय उस आनंद के लिए, उस भौतिक ये भौतिक जगत पूरा अंधकारमय है, तभी यहाँ सूरज चंद्रमा की जरूरत होती है प्रकाश के लिए। गीता भगवान कहते हैं कि उनके धाम में प्रकाश, सूर्य और चंद्रमा के उजाले की जरूरत नहीं होती। तो उस बोलते ना तमसोमा ज्योतिर्गमय, तो उस प्रकाशमय जीवन की तरफ जाना है। तो उस जो आध्यात्मिक जो जीवन है, जो एटर्नल जो जीवन है, जो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु के चक्र से जो बाहर का जीवन है, भौतिक जगत के बाहर आध्यात्मिक जगत का जो जीवन है, उस जीवन के खोज के लिए, उस असली आनंद की खोज के लिए गुरु के पास जाना है। ना कि जैसे कि लोग जाते हैं गुरु के पास कि ये दे दो, पैसा दे दो, है ना ये, और गुरु भी ऐसे हैं कि अच्छा इतना इतना दान दोगे तो ये तुम्हें मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये सब नकली बोगस गुरु है, है ना। तो इंसान को गुरु के पास जाना बहुत ज़रूरी है, क्यों, अगर असली ज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए, तो गुरु के पास जाना पड़ेगा। अब हर व्यक्ति के शरीर में, इंद्रियों में, मतलब हर जीव आत्मा, चार डिफेक्ट हैं उनके पास, सबके पास, है ना। पहला क्या है, पहला है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो
इम्परफेक्ट हैं, वो पूरी तरीके से, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मैं, हमारी इंद्रियां पूर्ण हैं, परफेक्ट हैं, नहीं, इम्परफेक्ट हैं। कैसे? जैसे हम देखना, तो हम एक लिमिट में ही देख सकते हैं। कोई चीज़ बहुत दूर है तो उसको नहीं देख सकते, बहुत ही पास है तो उसको नहीं देख सकते। हमें एक क्षमता है, उसी क्षमता में देख सकते हैं, है ना। और कई बार उसमें भी हमें, जैसे रोड पे जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो दूर रोड पे दिखता है कि पानी है, मिराज, लेकिन पानी नहीं होता वहाँ, है ना, वहाँ जाते तो पानी नहीं है। तो ये क्या है? आँखों में दोष है, है ना, ये आँखों में दोष है। जैसे तारों को देखें, चंद्र को देखें, सूर्य को देखें, तो ऐसे कैसे दिखता है? सूर्य एक फ्लैट दिखता है, पर वो सूर्य गोला है, उसके अंदर लोग हैं, हमें नहीं दिखते। क्या उतना ही साइज है? जितना बड़ा साइज मुझे दिख रहा है चंद्रमा का, क्या एक्चुअल साइज वही है? नहीं है। इसका मतलब आंखें हमें सही ज्ञान नहीं दे रही हैं। सेम हाथों का, त्वचा का, है ना, कान, कान भी सब कुछ नहीं सुन सकते, एक लिमिट है, उतना ही सुन सकते हैं, है ना। और जीवा, जैसे अगर आप कुछ ज़्यादा मीठा खाएंगे और उसके बाद कोई कम मीठी चीज़ खाएंगे जैसे, तो वो फीकी लगती है ना। जैसे दो व्यक्ति है, अब एक ने पहले कुछ गुलाब जामुन खाया और उसके बाद उसने हर्बल टी पिया, तो उसको वो हर्बल टी कैसी लगेगी? फीकी लगेगी। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति, उसने समोसा खाया और समोसा खाने के बाद वो हर्बल टी पी रहा है, तो उसको वो हर्बल टी कैसी लगी? उसको मीठी लगेगी। क्यों? इसमें जवान में दोष है, राइट। सेम त्वचा के साथ, अगर आप ठंडा गिलास पकड़ेंगे, ठंडे पानी का गिलास पकड़ेंगे, और उसके बाद नॉर्मल पानी पकड़ेंगे, नॉर्मल पानी का गिलास पकड़ेंगे, तो वो आपको गर्म लगेगा। और अगर आप गर्म पानी का गिलास पकड़ के नॉर्मल पकड़ेंगे तो ठंडा लगेगा। इसका मतलब है कि आप, पानी तो सेम है लेकिन आपकी त्वचा में, आपकी त्वचा आपको सही ज्ञान नहीं दे रही है। तो इन सब से हमें समझता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमें सही ज्ञान नहीं, वो पूर्ण नहीं है, वो हमें परफेक्ट ज्ञान नहीं दे सकती। तो ये हमारा पहला डिफेक्ट है। और जब इंद्रियां परफेक्ट ज्ञान नहीं दे सकती तो उससे क्या होगा? उससे भ्रम होता है, ये दूसरा है। हर व्यक्ति को, अब हर व्यक्ति की इंद्रियां इम्परफेक्ट हैं तो हर व्यक्ति को भ्रम होता है, इंद्रियां इम्परफेक्ट होने की वजह से उसको भ्रम होता है। ये भ्रम है कि लग रहा था कि वहाँ दूर रोड पे पानी है पर वहाँ पहुँचे तो पानी नहीं है, तो ये भ्रम हो जाता है। तो इस भ्रम होने की वजह से तीसरा डिफेक्ट है, वो क्या है? जब इंद्रियां इम्परफेक्ट हैं तो भ्रम हुआ, और जब भ्रम हो गया तो आदमी गलती करता है, क्योंकि वो भ्रम में आने के बाद उसको लगता है ऐसा नहीं ऐसा है, एक्चुअली में क्या है उसको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इंद्रियां उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, तो वो गलती करता है। और जब वो गलती करता है तो फिर उसको छुपाने के लिए वो धोखा देता है लोगों को। तो ये चार जो डिफेक्ट हैं, क्या इंद्रियां इम्परफेक्ट हैं, आदमी भ्रम में आ जाते हैं, सभी भ्रमित होते हैं, और तीसरा गलती करते हैं, सभी से गलती होती है, और चौथा सभी धोखे देने की, सबके अंदर ये धोखा देने की प्रवृत्ति सबके अंदर है। तो ये जो है चार डिफेक्ट सभी में हैं। तो इंद्रियां आपको इम्परफेक्ट नॉलेज देती हैं, अपूर्ण ज्ञान देती हैं, है ना। तो अब पूर्ण ज्ञान कैसे मिलेगा? पूर्ण ज्ञान के लिए आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव गच्छेत। अगर आपको पूर्ण ज्ञान चाहिए, अगर आप पूर्ण ज्ञान लेना चाहते हैं तो आपको गुरु के पास जाना चाहिए, और गुरु के पास जाने के लिए एवं परंपरा प्राप्तम, वो प्रॉपर परंपरा में आना चाहिए वो गुरु, है ना, तभी आपको सही ज्ञान मिलेगा। यही प्रोसेस है, यही प्रक्रिया है, नहीं तो आपको वही ज्ञान मिलेगा जो आपको अंधकार में ही रखे रहेगा। अंधकार से प्रकाश में जीवन में जाने के लिए गुरु के पास जाना है, और गुरु हमें उससे निकाल सकता है, वही हमें परफेक्ट ज्ञान दे सकता है। तो अगर परफेक्ट ज्ञान चाहिए तो हमें गुरु के पास जाना है। अब गुरु जो है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, है ना। भगवान कहते हैं आचार्यम माम बिजानीयान नाव मन्यत येत करहिचित। भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि जो गुरु है, जो आचार्य है, उसको मेरे जैसा ही जानो, है ना। क्यों? बिकॉज वो मेरा उत्तर प्रतिनिधि है।
प्रतिनिधि माने क्या? प्रतिनिधि वो होता है जो वही बोले जो ऊपर से आ रहा है ना। तो भगवान कहते हैं कि वो जो गुरु है, जो आचार्य है, वो वही बोलता है जो मेरे से सुनता है। जो कुछ भी बोलेगा वो वही बोलेगा जो उसने मुझसे सुना है, इसके अलावा वो कुछ नहीं बोलेगा, ना कुछ ऐड करेगा ना कुछ हटाएगा, है ना, ना उसमें कुछ अपनी तरफ से जोड़ेगा ना उससे कुछ निकालेगा। जो कृष्ण से सुना है वही आगे देगा, है ना। ये गीता में बोले एवं परंपरा प्राप्तम, जो परंपरा में आ रहा है वही ज्ञान देगा, एंड इसीलिए उसको आचार्य बोलते हैं। जो शास्त्र को जानता है और अपने जीवन में प्रैक्टिकली उन शास्त्रों को प्रैक्टिस करता है, अपने आचरण में उन शास्त्रों को लाता है, माने वो शास्त्र जीता है ना, शास्त्र पढ़ता है, समझता है और उनको जीता भी है, वो जीता जाता एग्जाम्पल रहे, वो चल, वो आप उसके जो आचरण है उनसे पता चल जाता है ना, वो अपने आचरण करके सिखाता है, इसलिए वो आचार्य है। आचार्य माने जो अपने आचरण करके सिखाए। तो कोई ऐसे नहीं कह सकता कि बस अपने आप बन जाए आचार्य, राइट, बोल दिया, नाम में लिख दिया आचार्य, नहीं, ऐसे नहीं बन सकता आचार्य, राइट। आचिनोति यह शास्त्राणी, जो शास्त्र के हिसाब से आचरण करता है वह आचार्य है। जो शास्त्र को समझता है, फॉलो करता है, अपने जीवन में प्रैक्टिकली करता है और वही चीज वो अपने शिष्यों को सिखाता है ना, वो आचार्य है। भगवान कह रहे आचार्यम माम विजानीयम नाव मन्येत करहिचित न आसुएत मर्त्य बुद्धया। तो आचार्य जो है उसको कभी आप, हमें जो है आचार्य को कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, आचार्य या गुरु को साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। ये शास्त्र में मना किया है ना, मंदिर में जो विग्रह है उसको साधारण मूर्ति नहीं समझना चाहिए, है आचार्य को, गुरु को साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, वो भगवान का प्रतिनिधि है। शास्त्र कहते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, समस्त शास्त्रे, सारे शास्त्र, और जो समस्त सारे शास्त्र कह रहे हैं इस बात को कि साक्षात हरित्वेन, जो गुरु है, जो आचार्य है, गुरु की को भगवान का प्रतिनिधि है, वो साक्षात प्रतिनिधि है ना, वैसा ही उसको सम्मान देना है। तो साक्षात माने घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्ट, सीधा, है ना, वो डायरेक्ट प्रतिनिधि है भगवान का, राइट। तो जो भगवान का डायरेक्ट प्रतिनिधि है उसके पास हमें जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवावि गच्छेत् श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, हमें ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो पूर्ण नॉलेज है शास्त्र में, श्रुति, वेदों में, है ना, श्रुति माने श्रोत, श्रुति माने वेद, एंड वे आचार्यवान पुरुषो वेदा। तो वेद माने आपको आचार्य के पास जाना है, वेद आपको उनसे समझना है, वो जानते हैं, है ना। अगर वो वेदों को नहीं जानते हैं, वेदों को नहीं समझ रहे हैं, वेदों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो गुरु नहीं है, आचार्य नहीं है, और ऐसी जगह जाके हमें फ़ायदा ही क्या होगा। ऐसे जो गुरु हैं जो ना तो परंपरा में आते हैं, ना जो आपके ब्रह्मनिष्ठ हैं, ना उन्होंने भगवान की शरण ली है, वो अपने आप को ही भगवान बता रहे हैं, शास्त्र में जानकारी नहीं है, बिना शास्त्र के बात करते हैं, शास्त्र से हट के बात करते हैं, अपने शिष्य नाराज ना हो इसलिए जो शिष्य बोले उसमें ही हाँ बोलते हैं, ये सब जो है बोगस गुरु हैं, ऐसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं हमारी परंपरा में, उन्होंने मना किया है कि ऐसे गुरु के पास जाना ही नहीं है जो परंपरा में नहीं आते, उनसे सुनना ही नहीं है। ऐसे लोगों से सुनने का मतलब है कि जैसे जो घड़े में दूध है लेकिन उसके ऊपर में तो
जहर लगा हुआ है, तो अगर उस दूध को पिएंगे तो क्या होगा। तो ऐसे जो लोग जो परंपरा में नहीं है, जो ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, जिन्होंने भगवान की शरण ली है, शास्त्रों में जानकारी नहीं है, शास्त्रों को फॉलो नहीं करते हैं, वो लोगों के पास हमें नहीं जाना है, वो प्रामाणिक गुरु नहीं है। गुरु को शास्त्र में पूरा ज्ञान है। गुरु जो है वो क्या है, कृष्ण तत्ववेत्ता है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि गुरु कौन है, गुरु यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होए, जो कृष्ण के तत्व को जानता है, कृष्ण को तत्वतः जानता है, वो गुरु है। तो अगर किसी ने ऐसे गुरु को स्वीकार कर लिया है जो ना तो परंपरा में है, जो प्रमाणिक गुरु नहीं है, तो उसको उसकी क्या मदद होगी फिर, है ना। वो अपनी ही मदद नहीं कर सकता तो अपने शिष्य की मदद क्या करेगा। तो वही गुरु है जो कृष्ण के वाक्यों को पूरी तरीके से रिपीट करता है। अगर हमें ये जो अगर हमें शास्त्र जो ज्ञान है वो परंपरा से मिलता है तो वो ज्ञान पूर्ण है, परफेक्ट है। और ऐसा ज्ञान मिलने से हमारा जीवन भी पूर्ण परफेक्ट हो सकता है। और अगर हम इस ज्ञान को बिना गुरु के पास जाए लेने की कोशिश करेंगे तो हम फंसेंगे, है ना। क्यों, अभी हमने बात किया कि हमारी तो इंद्रियों में ही खोट है ना। क्यों, अगर अब जब इंद्रियों में खोट है, इंद्रियों में कमी है, अपूर्ण ज्ञान देती हैं, तो इनसे हमें जो ज्ञान मिलेगा उससे हम क्या से अपने जीवन को परफेक्ट बना सकते हैं। क्यों, अपूर्ण इंद्रियों से जो ज्ञान मिलेगा वो अपूर्ण ज्ञान होगा, राइट। तो ये इस तरह से भगवान जो ज्ञान है वो परंपरा में ही लेना चाहिए, है ना। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत् श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। तो गुरु के पास ही जाना है, जो गुरु परंपरा में आए हैं, प्रमाणिक है, ब्रह्मनिष्ठ है। तो अगर जीवन की असली समस्या को जानना है और असली सुख को जानना है तो हमें इस तरह से प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी पड़े, लेनी ही चाहिए। जब शरण लेंगे तभी वो हमें ज्ञान देंगे और उस ज्ञान प्रोसेस देंगे, प्रक्रिया देंगे, और उसको फॉलो करके वो हमें परफेक्ट जीवन की तरफ लेके जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे कि जो हम किस परफेक्ट जीवन की बात कर रहे हैं, तो वो परफेक्ट जीवन है भगवान के धाम जाना। ये भौतिक जगत में नहीं पड़े रहना, ये भौतिक जगत में तो जो चीज़ें हो रही हैं वो अपूर्ण हैं, और यहाँ सभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हुए हैं। चार दुख सबको हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और अधिदैविक अधिभौतिक अधिआत्मिक, तीन क्लेश सबको सता रहे हैं। माया तीन क्लेशों से सबको सता रही है और चार दुख सबको हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो इनसे बाहर निकलना है। तो अब भौतिक जगत में रहेंगे तो भगवान ने इसकी परिभाषा दी है, दुख दो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको इस चीज़ को समझ लेना है कि इस भौतिक जगत में चार दुख सबको मिलेंगे। और परिभाषा भौतिक जगत की दे रहे हैं, दुखालय मशाश्वतम, ये दुखालय है, यहाँ दुख ही मिलेगा। दुखालय में क्या दुख मिलेगा, भोजनालय में भोजन मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, तो जैसे दुखालय में दुख मिलेगा। तो अब जीव जो है, हम सब जो हैं, हमारा एक नेचुरल, हमारी प्रकृति जो है वो है आनंदमय अभ्यास, मतलब हम आनंद की खोज में हैं। हर जीवात्मा आनंद की खोज में है। तो जब हर जीवात्मा आनंद, ये उसका प्रकृति है कि वो आनंद की खोज में है, सुख चाहता है। तो जब वो सुख चाहता है लेकिन ये संसार में है, और ये संसार भगवान ने बनाया है, और भगवान कह रहे हैं मैंने दुखालय बनाया है, दुख ही मिलेंगे इसमें। अब मैं सुखों को सर्च कर रहा हूँ और ये जगह दुखालय है, तो गलत हो गया ना। या तो ये संसार दुखालय नहीं है, या फिर मेरी जो खोज है वो गलत है। अब दुखालय में सुख ढूंढ रहा हूँ तो ये तो गलत चीज़ है ना। तो फिर कहाँ सुख, सुख तो चाहिए तो कहाँ जाओगे। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे धाम आओ, मेरे धाम में जो है दुख नहीं है। चिंता मणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्षा लक्षा, जो जो भगवान का धाम है वो चिंता मणि से बना हुआ है ना। वहाँ पे कल्प वृक्ष, वहाँ पे किसी चीज़ की जो है समस्या नहीं है।
तो भगवान वहाँ, तो हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो ये होना चाहिए कि भगवान के धाम, भगवत धाम जाना है कैसे भी करके। इतना हमें भौतिक जीवन में इतना हम अपना एफर्ट करें कि शरीर और आत्मा साथ बना रहे, ताकि हम भक्ति की प्रैक्टिस कर सकें और भगवान के धाम जा सकें। तो भगवान के धाम जाने के लिए हमें जो है गुरु के पास जाना है, क्योंकि गुरु ही कृष्ण के दर्शन करा सकता है, गुरु ही कृष्ण के पास ले जा सकता है, ये सिस्टम है। जब इंसान पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी माँ उसको बताती है कि ये आपके पिता हैं। तो माँ बताती है कि ये आपके पिता हैं, इसलिए माँ को भी बोलते हैं कि पहला गुरु माँ है, है ना। फिर पिता का, अब माँ ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, ये आपके पिता हैं। अब पिता की क्या जिम्मेदारी है? पिता की जिम्मेदारी है कि वो गुरु के पास ले जाए। और फिर गुरु की क्या जिम्मेदारी है? कि वो कृष्ण के पास ले जाए, है ना। ये सिस्टम है। तो माता पिता का जानकारी देगी, पिता गुरु के पास ले जाए, गुरु कृष्ण के पास ले जाए। तो हम बिना गुरु के हम कहीं कुछ भक्ति में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप भौतिक जीवन में भी देखेंगे तो बिना गुरु, बिना टीचर, बिना कोच के आदमी कुछ नहीं सीख सकता। तो भगवान के धाम, कृष्ण के पास जाना है, कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना है, प्रेम स्थापित करना है, तो गुरु की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से गुरु के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है और गुरु को अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। अब गुरु को अच्छा, गुरु हैं, प्रमाणिक गुरु हैं, ठीक है, लेकिन हमारी क्या प्रोसेस है? तो वो भी गीता में बताई कि गुरु को अप्रोच कैसे, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। हाँ, बड़ी विनम्रता से गुरु के पास जाना है, उनकी सेवा करनी है और परिप्रश्नेन उनसे प्रश्न पूछना है। विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाना है, उनसे आप चैलेंज नहीं कर सकते कि नहीं आप मेरे को बताओ, मैंने आपको फीस दिया है इसलिए आप बाध्य हैं मुझे ज्ञान देने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु किसी को बाध्य नहीं है, इसलिए गुरु जो है वो आध्यात्मिक जीवन में हमें गुरु सिखाता है। गुरु इसका ऐसा कोई फीस का सिस्टम नहीं है। गुरु दक्षिणा होती है, पर वो ऐसा नहीं है कि हमने आपको इतना पैसा दिया है अब आपको हमें पढ़ाना ही पड़ेगा, ज्ञान देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। आप विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करेंगे, फिर उनकी सेवा करेंगे, फिर जब वो आपसे प्रसन्न है तब आप उनसे प्रश्न करेंगे और वो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। ये विधि है ना। तो शिष्य को बड़ी विनम्रता से गुरु के पास जाके प्रश्न पूछना चाहिए सेवा करके, है ना। भगवान राम का आप देखेंगे, भगवान राम अपने गुरु के आश्रम में, भगवान राम अपने गुरु के भी चरण दबाते थे। भगवान कृष्ण भी अपने गुरु के पास गए हैं, उन्होंने अपनी गुरु की सेवा करी है। तो जब भगवान इस संसार में लीला करने आते हैं तो वो भी हमें सिखाने के लिए गुरु के पास जाते हैं और ये सिखाते हैं कि हर व्यक्ति को प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। यहाँ तक कि भगवान ने, कृष्ण ने, वो तो स्वयं भगवान है, वो जो बोलेंगे वो शब्द उनसे अलग नहीं है, वो उनका ज्ञान, उनके शब्द सब हमेशा रहने वाले हैं, एटर्नल हैं। तो भगवान ने जब अपनी शिक्षा पूरी कर ली संदीपनी मुनि के आश्रम में, तो उन्होंने उनसे पूछा कि हम आपको क्या गुरु दक्षिणा दें। तो उन्होंने बताया कि आप हमें जो हमारा पुत्र खो गया है वो वापस ला के दें। तो भगवान ने, ये कथा लंबी है, भगवान ने उनको, उनके पुत्र को लेके आए और वापस दिया भी। तो इसमें भगवान को उनके गुरु संदीपनी मुनि ने कृष्ण बलराम को ये वरदान दिया कि मैं बहुत खुश हुआ तुम्हारी सेवा से, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जो भी बोलोगे वो ज्ञान जो है हमेशा हमेशा बना रहेगा, वो ज्ञान कभी लुप्त नहीं होगा। और आप देखिए वो भगवान ने जो बोला गीता का ज्ञान वो हमेशा से है, वो कभी लुप्त नहीं हो रहा है 5000 साल से। तो यहाँ देखने वाली बात ये है कि भगवान गीता में कह रहे हैं कि जो ज्ञान है वो अर्जुन मैं तुम्हें आज दे रहा हूँ, ये मैंने पहले विवस्वान को भी दिया है, है ना। तो उन्होंने सूर्य देवता विवस्वान को भी ये ज्ञान पहले दिया हुआ है।
लेकिन और वैसे भी भगवान है तो उनका ज्ञान तो वैसे भी एटर्नली है, लेकिन यहाँ वो अपने गुरु का जो पद है, महत्वता है, उसको स्थापित करने के लिए ऐसी लीला कर रहे हैं कि ये मेरे गुरु का वरदान की वजह से गीता का ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए बना हुआ है। तो भगवान भी अपने गुरु को इतना महत्व दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमें समझना चाहिए गुरु का क्या महत्व है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।